ताई ये ले दूध पीकर ऑफिस जा। मानसी मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे लेट हो रहा है। ताई 2 मिनट में कुछ लेट नहीं होगा तुझे, हम सबका इतना ख्याल रखती है, अगर हम तेरा रख लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। मानसी मुझसे नाराज है। नहीं, तूने मुझसे इतना क्लियरली बोल दिया कि मैं तुझसे कुछ ना पूछूं, कुछ ना जानूं, तो मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? ऐसी बात नहीं है मानसी, देख अरे अर्चना जी आप नमस्ते, आइए ना अंदर। मानसी कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे अभी अभी शशांक मिला था और उसने मुझे बताया कि तुम माँ बनने वाली, बहुत अच्छा लगा सुन के। मुझे पता है कि इतने दिनों से हम लोगों के घर के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही, लेकिन मुझे जैसे ही खबर मिली मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। एक वक्त था जब मैंने तुम लोगों से रिश्ता जोड़ा था और आज भी मैं उस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, इसलिए हांसी तेरे लिए ये माता के मंदिर से धागा लेके आई, तू प्लीज इसे बांध ले, ये तेरे और तेरे बच्चे की रक्षा करेगा, ठीक है? आजी मुझे एक और धागा मिल सकता है क्या? क्यों एक और क्यों? वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, वो भी प्रेग्नेंट है, तो मुझे लगा उसके लिए भी ले लेती हूँ। मैं तुझे ला दूंगी, ठीक है? चल अब मैं चलती हूँ। अरे रुकिए आजी, मुंह तो मीठा करके जाइए। मानसी कभी और आऊंगी बेटा, अभी मंदिर से आई हूँ, घर पे बहुत सारा काम है, तो बाद में मिलती हूँ। अपना हाथ दे। बहुत नाराज हूँ मैं तुझसे कि तू मुझे सच्चाई नहीं बता रही है, लेकिन अपनी नाराजगी मैं तेरे बच्चे पर नहीं उतारूंगी, क्योंकि फिक्र है मुझे उसकी, ये बात तुझे समझ आए या ना आए। ताई क्या हो गया है तुझे, ऐसी कौन सी मजबूरी है तेरी जो तू मुझे भी नहीं बता सकती? नरेन जी जो तो इस बच्चे के पिता है, कम से कम मानसी, इस बच्चे की माँ मैं हूँ, इस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक और किसी का नहीं। तो मुझे लगता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जहां हम कस्टमर्स को इतनी सारी फैसिलिटी हैंडसेट में। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? नरेंद्र सर मुझे लगा कि आप कुछ और सोच रहे थे। एक्चुअली यू आर राइट, बाहर शादी की प्रिपरेशन चल रही है एंड मॉम इज शी इज हैंडलिंग इट अलोन, और मेरे दिमाग में भी बट मैं तुम्हें सुन रहा था, वो तुम हैंडसेट की बात कर रही थी ना, जो तुम फैसिलिटीज दे रहे थे उसके अंदर। एक्चुअली मेरा ना ऑफिस जाने का मन ही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। आई डोंट नो, प्रायोरिटीज जस्ट चेंज ना, देखा तुमने, किसी से प्यार हो जाता है और उससे शादी होने वाली होती है तो एवरीथिंग एल्स टेक्स अ बैक सीट। देखना तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, जब किसी से प्यार हो जाएगा ना सब कुछ भूल जाओगी, काम, लोग, दोस्त, सिर्फ वो एक इंसान याद रहेगा। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू वर्क, आई नो शादी का टाइम है एंड आई एम लिटिल एक्साइटेड आल्सो, नर्वस आल्सो, और आहाना के बारे में सोचे जा रहा हूँ, बट वर्क इज़ इम्पोर्टेंट, हमें काम पे ध्यान देना चाहिए।